हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसला। लास्ट लेक्चर में हमने गॉसला किया था, अब उसकी हमने क्या करनी है एप्लीकेशंस की, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर हमें एक लाइन दी गई है, लेट बी वायर, यो लीनियर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और उसने कहा जब हम एक लाइन पे चार्ज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप क्या करो किसी भी एक पॉइंट पे हमें क्या निकाल के दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर हेल्प लेनी है गॉसला की, हेल्प लेनी है गॉसला। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, कभी भी अगर हमारे पास कोई लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे क्वांटाइजेशन अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे जिसे हम बोलेंगे कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लीनियर। कभी भी चार्ज अगर एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका चार्ज फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इसका सिंबल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू इसके कुल आ जाएगा लैम्डा इनटू एल, अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड करना होगा तो। अब देखें कंडीशन, एक लाइन दी गई वायर जो लीनियर इनफाइनाइट है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। हमें बोला गया कि लेट बी एक ये पॉइंट पी है, हमें यहाँ पे क्या निकाल के दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका लाइन से डिस्टेंस कितना है आर। अब हमें यहाँ पहली कंडीशन ये मालूम है कि गॉसला ओपन सरफेस पे अप्लाई नहीं होता, तो पहले वाई यूजिंग हमें यहाँ पे इमेजिनेशन से क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। तो हमने क्या किया, जितना डिस्टेंस इस साइड था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रखा और एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, जो किस फॉर्म में बना, दैट इज़ सिलेंड्रिकल। कोई आपसे पूछे यहाँ पे सिलेंड्रिकल यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ ये क्या चीज़ है, दैट इज़ नोन एज द गॉसियन सरफेस। तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। अब यहाँ पर देखें जो हमारा गॉसियन सरफेस बना है सिलेंडर की फॉर्म में, ये एक्चुअली तीन पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, अपर वन, मिडल वन एंड लोअर वन, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मीनिंग फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से भी होगी, सेकंड से भी और थर्ड से भी। तो हमें तीनों का फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, देन हमें क्या मिल जाएगा, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब देखें आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मालूम होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये लाइन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस लाइन की क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। इससे मैंने लाइनें इस तरह ड्रा की हैं, आपकी चॉइस, चाहे आप इस साइड ड्रा कर लो, ठीक है। अब हमें फ्लक्स निकालने के लिए एक लेना पड़ता है, दैट इज एरिया। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ड्रा कर लिया ds, तो इस ds की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो इस साइड ही आएगा। तो हमें दिख रहा है सेकंड सरफेस में e और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब मैं फर्स्ट पे यहाँ पे क्या करूँगा, ds ड्रा करूँगा, तो ये सरफेस कहाँ दिखाया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस में e और ds में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली जब हम थर्ड में सरफेस ड्रा करेंगे तो उसका नॉर्मल कहाँ होगा, डाउनवर्ड, दैट इज अगेन 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने यूज़ किसका किया, गॉसला का। अकॉर्डिंग टू गॉसला क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इट। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना, आप इस टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना, और मैंने आपको अभी समझाया इस पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक वर्ड यूज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू किसके कुल आ जाएगा, लैम्डा इनटू एल, टोटल चार्ज मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू कितनी लिखी, लैम्डा इनटू एल, ये टोटल चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस में प्रेजेंट है या क्लोज सरफेस में। अब देखें अकॉर्डिंग टू गॉसला ये कौन सा फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स। और आपको मैंने अभी समझाया यहाँ पे टोटल फ्लक्स तीन की कंट्रीब्यूशन होगी, तो मैंने इस फ्लक्स को तीन पार्ट में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे तीन सरफेस है यहाँ से फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन होनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ से डॉट को रिमूव किया, तो आपको मालूम अगर मैं यहाँ से डॉट को रिमूव करूँगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। हम यहाँ पहले ही बोल चुके हैं कि फर्स्ट सर्फेस में ई और डी एस में कितना एंगल है, 90 डिग्री, सेकेंड सर्फेस में कितना है, 0 डिग्री, और थर्ड में कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मीनिंग फर्स्ट और थर्ड ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा बचा, सेकंड। तो सेकंड के लिए हमने क्या लिखा, ई डी एस एंड कॉस 0 इज़ 1,
एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन से क्या बाहर निकलता है, कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कॉन्स्टेंट होगी क्योंकि गॉसियन सर्फेस है। देन इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, डी एस, डी से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एस, एस इज द सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh। मैंने यहाँ पे h को l कंसिडर किया है तो यहाँ पे l लिख लिया गया है एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल हो जाएगा तो हमने यहाँ से e की वैल्यू निकालनी थी तो e की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2πRh एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगेन दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज अगेन डिपेंड किस पे करती है, डिस्टेंस पे इन्वर्सली। इसमें लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। यहाँ तक क्लियर, ये गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी।